लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मतदान शांतिपूर्ण कराने हेतु पिछोर पुलिस द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए मतदान शांतिपूर्ण कराने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी श्री संजीव मूले के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान SDOP महोदय पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पिछोर रत्नेश सिंह यादव थाना पिछोर के फोर्स एवं CAPF फोर्स के साथ अति संवेदनशील क्षेत्र ग्राम अन्नांद कछवार राजापुर घटवारा मनका हिम्मतपुर करारखेड़ा गोचौनी बिरौली द्वारिका पानरेश्वर आदि ग्राम में पुलिस फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही पिछोर शहर में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया, क्या कुछ उद्देश्य है पुलिस का? ये लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौर के निर्देशन में आज पिछोर थाना पुलिस ने CAPF के बल को साथ में लेकर पिछोर सर्कल के जो वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उनमें फ्लैग मार्च निकाला, जिनमें द्वारका बिरौली बारेश्वर गुचौनी नांद कछुआ और हिम्मतपुर शामिल रहे। उसके पश्चात हमने कस्बा पिछोर में भी एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया। इस फ्लैग मार्च का आयोजन आम जनता में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को लेकर रहा,